सच हमेशा कड़वा होता है, तो हम सभी जानते हैं सच्ची बात सुननी कड़वी लगती है, पर वो सच्ची तो होती है, कड़वी लगती है पर अच्छी भी होती है। मैं अपनी बात कहने के लिए ना एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ, जो बहुत टाइम पहले मैंने पढ़ी थी और मुझे बहुत बहुत और बहुत ज्यादा पसंद है। असल में क्या होता है कि एक आदमी होता है, उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है, उसके 4 साल का एक बच्चा होता है। तो जब उसकी वाइफ की डेथ होती है तो वो सोचता है कि बच्चे का ख्याल कौन रखेगा, तो नई शादी एक लेडी से और शादी कर लेता है। तो जब थोड़े दिन हो जाते हैं, वो घर में एडजस्ट हो जाती है, तो वो अपने बच्चे से पूछता है, जो छोटा बच्चा होता है, कि बेटा आपको अपनी नई मम्मी कैसी लगी, आपको अपनी नई मम्मी कैसी लगी। तो बच्चा बहुत मासूमियत से बोलता है, पापा जो पहले वाली मम्मी थी ना मेरी, वो तो बहुत झूठी थी, बहुत ही झूठी थी, और ये मम्मी तो बहुत सच्ची है। तो नेचुरल है, मेरे को भी कहानी पढ़कर हैरानी हुई थी, आपको भी हो रही होगी सुनते हुए। तो उसने पूछा कि ऐसा क्या है, ऐसा क्या हुआ कि वो आपको झूठी लग रही है और नई मम्मी जिसको आए इतने थोड़े दिन हुए हैं वो आपको सच्ची लग रही है। तो बोलते हैं कि पापा जब पहले वाली मम्मी थी मैं शरारत करता था, खूब उछल कूद करता था, मम्मी मेरे को गुस्सा होती थी और मम्मी मेरे को ये भी बोलती थी कि तू शरारत करेगा तेरे को खाना नहीं दूंगी, तेरे से मैं नाराज हूं, तेरे से बात नहीं करूंगी। पर थोड़ी देर बाद वो प्लेट में खाना भी ले आती थी और मुझे प्यार से खाना भी खिलाती थी, मेरे साथ खूब सारी बातें भी करती थी, तो वो झूठी हुई ना, वो मना करते हुए भी मेरे को खाना खिलाती थी। और आज नई मम्मी, मेरी नई मम्मी, 2 दिन हो गए उन्होंने बोला तेरे को खाना नहीं दूंगा और उन्होंने मुझे खाना नहीं दी। ये है कहानी, तो सच कड़वा लगा ना। एक सच और भी है जो वाकई में इस जितना ही कड़वा है, और वो ये है कि हम महिलाएं अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रखती, अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखती। बहुत बार देखती हूं मैं अपने आसपास, अपने जो फैमिली में, रखती नहीं है। फैमिली का ध्यान रखने में नंबर वन, बच्चों का ध्यान रखने में, सास ससुर का ध्यान रखने में, सबका, रिश्तेदारी में सबका, पर जब अपनी बात आती है कोई बात नहीं कर लेंगे। पाँव में दर्द है, डॉक्टर के जाना, नेक्स्ट वीक चले जाएंगे। बच्चे के दर्द हुआ, कोई तकलीफ हुई, हल्की सी उसको छींक भी आ गई, चल डॉक्टर के। ये है, ये क्या है, मतलब हम अपना ख्याल क्यों नहीं रखते। देखिए एक कड़वा सच है, मतलब खून की कमी किस में है, हम महिलाओं में है वाकई में बहुत ज्यादा। कितने हम केसेस देखते हैं खून की कमी होती है, हीमोग्लोबिन ही नहीं होता। कैसे रखोगे ख्याल आप अपने आप, पहले अपने आप का ख्याल रखो, फिर देखिए कि सारा सब परिवार कितना खुश रहेगा सब। क्योंकि क्या होता है, जैसे हमारी तबीयत ठीक है, हम खुश है, तो हम खुश है तो सारा परिवार खुश है। मतलब बड़ी हम स्वस्थ रहेंगे तो हम खुश रहेंगे, हम खुश रहेंगे तो खाना अच्छा बनेगा। हाँ खाना अच्छा बनेगा, सीरियसली। अब आप ये सोच रहे होंगे कि खाना कहाँ से आ गया इसमें, बीच में खाना आता है। पता क्या होता है कि हम जो लेडीज है ना, जब हम खाना बनाती हैं, मतलब सारे सारे दिन की जो परेशानी है, टेंशन है, वो सारी खाने में आ जाती है। खाने में इन सेंस कैसे आ जाती है कि जब हम खाना बना रहे हैं तो हमारा दिमाग उधर भी चलता है कि वो भी काम करना है, इधर भी चलता है ये भी काम करना है, बच्चों ने स्कूल से आना है, आज रात को क्या बनेगा, बाई नहीं आई, मतलब 10 तरह की टेंशन हमारे दिमाग में चलती रहती है, चलती रहती है, और उसी उधेड़बुन में खाना बन जाता है। अब खाना कैसे स्वादिष्ट बनेगा, अब आपको मैं एक बहुत सीक्रेट टिप बता रही हूँ, आजमाई हुई है 100% और सफलता की गारंटी है। अगर आप सब, आपके घर के लोग बोलेंगे कि आज खाना बहुत टेस्टी बना है, पर इसके लिए ना तो आपको कोई मिर्च मसाला लाना है, ना कुछ घी वगैरह रिफाइंड बढ़िया सा लाना है, इसके लिए घर में ही आपके अंदर ही है वो टिप, आपके अंदर ही है वो चीज। अब आपने क्या करना है, जब आप खाना बना रहे हैं ना, तो सबसे पहले तो जितनी भी चीजें दिमाग में चल रही है ना, नेगेटिव और गर्ल्स तनाव वाली, उसको तो कर दीजिए एक तरफ, ठीक है, कर दी। अब आप आ जाइए अपने ट्रैक पे, कोई भी अच्छी बात जो पिछले दिनों हुई हो, कोई भी अच्छी अच्छी मीठी जिससे आपके चेहरे पे स्माइल आ गई हो, मतलब कोई जिंदगी में देखिए हमारे साथ कुछ ना कुछ ऐसी बातें तो होती रहती है कि कोई बात हमें बहुत अच्छी लगती है और हम उस बात को याद करते हैं, मुस्कुरा देते हैं, कोई चुटकुला याद आ जाता है, कोई अच्छी बात जिससे मुस्कुराहट आ जाए हमारे चेहरे पे, स्माइल आ जाए, तो वो चीज याद कीजिए। और इन केस अगर आपको कुछ याद ही नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, आप अपना मोबाइल लाइए, उसमें गाने सुन लीजिए अपनी पसंद का, फेवरेट, जो बचपन में सुनते थे या जो यंग एज में थे वो सुनते थे, जो आपको बहुत अच्छा लगता है, जिसको सुन के आप खुश हो जाते हैं, आप गुनगुनाने लगते हैं, वो चीज करिए। बस सिंपल,
जब आप खाना बना रहे हैं, जब आप आटा गूंद रहे हैं, जब आप सब्जी काट रहे हैं, सब्जी को छौंक रहे हैं, तो आपने बस इतना ही करना है कि वो अच्छी चीजें, अच्छे मोमेंट्स को याद करना है बस दिमाग में, सब तनाव हटा दीजिए। थोड़ी देर, कितनी देर लगती है खाना बनाने में, वो सारा तनाव हटा दीजिए और बहुत अच्छा अच्छा सोचिए, मीठा मीठा प्यारा प्यारा सोचिए, देखिए खाना कितना टेस्टी बनेगा। सीरियसली खाना बहुत टेस्टी बनेगा। दो दिन में ही आपके फैमिली मेंबर्स सब आपको कहना शुरू कर देंगे, आज तो खाना बहुत टेस्टी बना है। तो इसका क्या रीजन है? प्यार से बनाया, क्योंकि उसमें प्यार डाला है। और प्यार कब डलेगा? जब आप खुश रहेंगे। खुश कब रहेंगे? जब आप स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ कब रहेंगे? स्वस्थ रहेंगे जब आप अपना ख्याल रखेंगे। तो यही तो मैं सिंपल यही बताना चाह रही थी, कड़वा सच यही है कि हम अपना ख्याल नहीं रखते, जबकि हमें अपना रखना चाहिए। और भी बहुत सारी चीजें हैं कि हम कैसे अपना माइंड रिलैक्स कर सकते हैं, और कुछ कैसे रह सकते हैं, और हम कुछ करना चाहते हैं हम कैसे कर सकते हैं। बहुत सारी टिप्स हैं मेरे पास, सब बताऊंगी पर एक एक करके। फिलहाल सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। और खाना कैसा बना ये जरूर बताइएगा। तो फिर मिलूंगी एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक